आज के डेट में एक से बढ़कर एक हाईटेक कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाने लगा है। आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने हमारी दुनिया ही बदल कर रख दी है। मानो ऐसा लगता है कि कंप्यूटर के बिना हमारी जिंदगी ही अधूरी है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ तक पहुँचने में हमें कई दशक लग गए हैं। वैसे क्या आप जानते हैं पहला पर्सनल कंप्यूटर कौन सा था, इसे कब लॉन्च किया गया था? तो पहला पर्सनल कंप्यूटर 12 अगस्त 1981 को लॉन्च किया गया था, जिसे IBM कंपनी ने बनाया था। इसका वजन 9.5 किलोग्राम था और कीमत करीब $1500 थी। बहुत सारा मेहनत और एक्सपेरिमेंट के बाद आज कंप्यूटर को यह स्वरूप और कार्य क्षमता मिली है। इसने ह्यूमन लाइफ के रोजमर्रा कामों को काफी आसान और तेज बना दिया है। वैसे कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ गणना करना होता है, इसलिए इसे गणक या संगणक भी कहा जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग कंप्यूटर से जुड़ा कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जानने वाले हैं, पर उससे पहले मैं आपको कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूँ। कंप्यूटर का इतिहास करीब 2000 साल पुराना है। इसे बनाने का श्रेय आप किसी एक शख्स को नहीं दे सकते। पहली बार कंप्यूटर शब्द 1613 में एक इंसान के लिए प्रयोग किया गया था, जो गणित की गणना करने में सक्षम था। शुरुआती दौर में कंप्यूटर एक लकड़ी के रैक के रूप में होता था, जिसे अबेकस कहा जाता था। वहीं अगर बात करें पहले मैकेनिकल कंप्यूटर की, तो इसे चार्ल्स बैबेज ने 1822 में बनाया था। इसी वजह से चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। अब हम लोग कंप्यूटर के बारे में 50 रोचक तथ्य अमेजिंग फैक्ट्स जानने वाले हैं। लोगों ने कंप्यूटर को शुरुआत से ही काफ़ी पसंद किया और आज भी लोग कंप्यूटर के दीवाने हैं। आज पूरी दुनिया में ज़्यादातर काम कंप्यूटर से ऑनलाइन होने लगे हैं। ऐसे में आपको कंप्यूटर से जुड़े रोचक और दिलचस्प बातें जानना जरूरी है। पहला, वर्ष 1832 से लेकर वर्ष 1964 के बीच में बने कंप्यूटर में ना तो कीबोर्ड होता था और न ही माउस होता था। पहला कंप्यूटर माउस लकड़ी का बना हुआ था, जिसे 1964 में डॉग एंगलबार्ट द्वारा बनाया गया था। कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। इन्होंने एक यांत्रिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। आमतौर पर एक इंसान एक मिनट में 20 बार पलकें झपकाता है, लेकिन कंप्यूटर के सामने बैठने पर यह इंसान केवल 7 बार ही अपने पलकें झपकाता है। किसी टाइपिंग करने वाले इंसान की उंगलियां हर रोज करीब 20 किलोमीटर चलती है। अगर इंसान का दिमाग कंप्यूटर के जितना शक्तिशाली होता, तो वह प्रति सेकेंड में लगभग 4 करोड़ ऑपरेशन करने में सक्षम होता और करीब 35 लाख GB से ज़्यादा मेमोरी सेव कर सकता। दुनिया की पहली हार्ड डिस्क, जिसे 1979 में बनाया गया था, उसमें केवल 5 MB डेटा स्टोर हो सकता था, जबकि आजकल तो इससे ज़्यादा MB डेटा एक फोटो खींचने में चला जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 1 GB की पहली हार्ड डिस्क का वजन 1 मगरमच्छ के बराबर था, जिसे 1980 में बनाया गया था और इसकी कीमत करीब $40,000 था। 1 TB मतलब 1000 GB की पहली हार्ड डिस्क बनाने वाली कंपनी का नाम हिताची था। इस कंपनी ने इसे 2007 में बनाया था। पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कंपनी ने 1971 में बनाया था। इंटेल 4004 नाम के इस प्रोसेसर को एक कैलकुलेटर के लिए डिजाइन किया गया था, जिसकी मैक्सिमम क्लॉक रेट मात्र 740 किलोहर्ट्ज थी, जबकि आज के मार्केट में 8.805 गीगाहर्ट्ज क्लॉक रेट तक के प्रोसेसर आ चुके हैं। आज के कंप्यूटर का आकार पहले के कंप्यूटर के आकार से बहुत छोटा होता है। पहले के कंप्यूटर लगभग 1 रूम के बराबर हुआ करता था। पहला फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार 1970 में हुआ था, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी सिर्फ 7,579 KB थी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि विश्व की पहली हार्ड डिस्क में केवल 5 MB डेटा ही स्टोर किया जा सकता था। क्या आप जानते हैं सबसे पहले कंप्यूटर में 45 KB की रैम चिप लगी होती थी। CD, DVD और पेन ड्राइव से पहले बाहरी डेटा को आदान प्रदान करने के लिए फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग किया जाता था। दुनिया का पहला कंप्यूटर कीबोर्ड का आविष्कार 1968 में किया गया था। तो वहीं दुनिया का पहला कंप्यूटर मॉनिटर का प्रयोग पहली बार 1980 में किया गया था। कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले जितने भी विजुअल हैं, केवल 3 रंगों लाल, हरा और नीला से मिलकर बने होते हैं। दुनिया में ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला USB हार्डवेयर पेन ड्राइव 1999 में एग्जिस्ट में आया था।
लेकिन इसे बाजार में 2000 में उतारा गया था। उस समय इसकी स्टोरेज कैपेसिटी सिर्फ 8 MB थी। दुनिया का पहला कंप्यूटर एड्स लॉबलेस नाम की एक महिला द्वारा लिखा गया था। पहली बार किसी कंप्यूटर में ताश के पत्तों का गेम 1919 में डाला गया था, जिसे 1989 में इंटर्न बेस चेरी द्वारा डेवलप किया गया था। आपको बता दें कि 1950 के आसपास कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन कहा जाता था। क्या आप जानते हैं कीबोर्ड की किसी एक लाइन से लिखा जाने वाला सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड है टाइपराइटर? आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी 86% लोग यूएसबी को उल्टा लगाने की कोशिश करते हैं। विंडोज स्टार्ट होते समय जो आवाज आती है, उसे एप्पल मैक ने प्रयोग किया था। बिल गेट्स के घर का नक्शा जो है एप्पल के मैकिंटोश कंप्यूटर में डिजाइन किया गया था। क्या आप जानते हैं संस्कृत को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए सबसे अच्छा लैंग्वेज माना गया है? कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप सिलिकॉन का बना हुआ होता है। आपको यह जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि 2034 तक दुनिया की 47% जॉब खुद ही कंप्यूटर करने लगेंगे। आज के डेट में कोई भी ऐसा कंप्यूटर नहीं बना है जो कैप्चा को अपने आप ही हल कर सके। हर साल 30 दिसंबर को कंप्यूटर सिक्योरिटी डे के रूप में मनाया जाता है, वहीं 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाता है। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान वॉन न्यूमान का रहा है। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम ENIAC है, तो वहीं भारत में बनाया हुआ प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। भारत में पहला कंप्यूटर 16 अगस्त 1986 को बेंगलोर के प्रधान डाकघर में लगाया गया था। भारत में 1970 में 100 कंप्यूटर थे, लेकिन आज वर्तमान समय में हर 2 मिनट में एक नए कंप्यूटर की स्थापना हो जाती है। कंप्यूटर विज्ञान में PhD करने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर राज रेड्डी हैं। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को मेन्यू कहा जाता है। भारत में कंप्यूटर के सहयोग से संगीतबद्ध किया गया प्रथम एल्बम का नाम बेबी डॉल है। कंप्यूटर के रैम और रोम दोनों ही स्टोरेज डिवाइस हैं। हार्ड डिस्क की स्पीड 3600 राउंड प्रति मिनट होती है। कंप्यूटर में फोटोन भाषा का प्रयोग विज्ञान क्षेत्र में किया जाता है। हर महीने करीब 6000 कंप्यूटर वायरस बनाए जाते हैं। अभी तक लगभग 17 अरब डिवाइस में इंटरनेट का यूज किया जा चुका है। 1964 से कंप्यूटर में कीबोर्ड और स्क्रीन को लगाना शुरू किया गया था। 1964 में ही सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था। YouTube पर हर मिनट करीब 10 घंटे का वीडियो डाली जाती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 1968 से लेकर 1976 तक, यानी 8 ईयर्स तक, अमेरिका के न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने वाले कंप्यूटर कंट्रोल का पासवर्ड 80 था, 0000000। 1990 के बाद इंटरनेट ने कंप्यूटर को एक नई पहचान दी। यह वह दौर था जब हर घर में कंप्यूटर की ज़रूरत महसूस होने लगी। दोस्तों, ये कंप्यूटर से जुड़ा 50 अमेजिंग फैक्ट्स थे। आपको जानकर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।